आदि पुरुष में जिस तरह रावण के रोल में सैफ अली खान को दर्शाया गया है और हनुमान के अंग वस्त्र पर भी राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के कई मंत्रियों ने कार्रवाई की चेतावनी दी तो अब फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने बयान देकर तमाम सोशल मीडिया के ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा है, मैं निश्चित रूप से निराश था लेकिन हैरान नहीं था क्योंकि ये फिल्म एक बड़े माध्यम यानी बड़े पर्दे के लिए बनाई गई है। आप इसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं लेकिन इसे मोबाइल फोन तक नहीं लेकर आ सकते। ये ऐसा माहौल है जिसे मैं काबू में नहीं कर सकता। मैं इसे कभी भी YouTube पे नहीं डालता लेकिन ये समय की जरूरत या कहें मांग थी जो हमें ऐसा करना पड़ा। हमें आदि पुरुष का टीजर YouTube पर डालना पड़ा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके। मेरे पार्टनर और स्टूडियो टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। इस मूवी को ऐसी ऑडियंस की जरूरत है जो सिनेमा घरों में कम आती है, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स जो थिएटर्स का रुख कम करते हैं, वो लोग जो रिमोट लोकेशंस में रहते हैं जिनकी थिएटर्स तक पहुंच नहीं। हमें वे लोग चाहिए। हम चाहते हैं कि वो सिनेमा घरों में आए और हमारी फिल्म देखें क्योंकि ये रामायण है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है, उन्हें एक्साइट करना है। इसीलिए जैसा कि मैंने कहा, टीजर को लेकर लोगों का रिएक्शन देखकर मैं सरप्राइज नहीं था क्योंकि ये मूवी स्मॉल स्क्रीन के लिए नहीं बनी है, ये बड़ी स्क्रीन के लिए बनी है और मैं इसे छोटी स्क्रीन पर नहीं ला सकता। फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर कहते हैं कि छोटी स्क्रीन के लिए उनकी फिल्म नहीं बनी इसीलिए ऐसे लुक दिए गए हैं। लेकिन क्या शानदार लुक देने के लिए धार्मिक संदर्भ को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या हनुमान और प्रभु श्री राम के अंगवस्त्र में लेदर जैसी कोई चीज पहनाई जा सकती है? क्योंकि रामायण और प्रभु श्री राम में 1 अरब से ज्यादा लोगों की इस देश में अटूट आस्था है। फिल्म के डायरेक्टर के हिसाब से ये फिल्म यूट्यूब के लिए नहीं बनी है, लेकिन बात यहाँ पर VFX की है ही नहीं। सवाल यहाँ पर तमाम बड़े कैरेक्टर्स के लुक को लेकर है। क्या ऐसे बचकाना लुक देकर बॉलीवुड वाले दर्शकों को सिनेमाघर तक ला पाएंगे? आप आदि पुरुष फिल्म के डायरेक्टर के बयान से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।